हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं कूल सुपरमार्केट की, जो हमारे घर के बिल्कुल पास में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एंटर ही किया है और यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, जैसे कि एप्पल है और उसके नीचे उसकी प्राइजेस लिखी होती हैं। ये आप देख सकते हैं पाइनएप्पल लगा हुआ है। और हम वैसे यूजुअली यहाँ पे 15 डेज़ में शॉपिंग करने आते हैं, क्योंकि बार बार नहीं आते, उससे मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा पैसे खर्च होते, तो हम एक बार में ही शॉपिंग कर लेते हैं। और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंडियन फ्लैग लगा हुआ है और ये पूरा इंडियन ग्रॉसरी कॉर्नर है, क्योंकि हम जिस सबब में रहते हैं वहाँ पे इंडियंस मोस्टली हैं। अगर आप जैसे चाइनीज़ सबब में जाएंगे तो उनका एक अलग से एशियन ग्रॉसरी कॉर्नर होगा, तो ऐसे हमारा यहाँ पे इंडियन है। तो यहाँ पे काफ़ी इंडियन जो ब्रांड्स होते हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाते हैं इजीली, चाहे वो दालें हो, पल्सेस हो, या जो भी राइस, आटा, एवरीथिंग इज़ देयर। फिर यहाँ पे ये वेजीज़ की एक पूरी लाइन थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरेट्स रखी हुई हैं, कैबेज है, और तो मैंने कैरेट्स ली थी क्योंकि वो काफ़ी सस्ते दाम पे लगी हुई थी। नेक्स्ट हम आते हैं ड्राई फ्रूट्स पे। फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगी ऑस्ट्रेलिया में ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ यहाँ पे 5 रूल्स जो हैं क्लीन ईटिंग के शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने भी रूल्स जो थे ये कहीं से देखे थे और पढ़े थे, बट आई रियली वांट टू शेयर विद यू। लेकिन फर्स्ट, सबसे पहला रूल जो है वो है ईट रियल। ईट रियल में आप जैसे कि हमेशा क्लीन फूड खाएं, जो कि हमारा रेस्ड हो, फार्म में हो, या जो विच इज़ ग्रोइंग आउट इन द ग्राउंड। सो हमेशा हमेशा क्लीन फूड जो होता है वो खाना चाहिए, हमें प्रोसेस्ड फूड जो है उनको बिल्कुल नो कहना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट आई वुड से गो ऑर्गेनिक, लाइक विच द फूड विच डजेंट हैव एनी पेस्टिसाइड्स, स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स, एनीथिंग लाइक दैट, केमिकल्स, तो वो बिल्कुल क्लीन फूड होता है। ऑर्गेनिक हो है इसलिए हमें अब जो टाइम चल रहा है इसमें ऑर्गेनिक फूड को ही प्रेफर करना चाहिए। देन द थर्ड पॉइंट इज ईट नेकेड में क्या है, डोंट बाय दोज थिंग्स विच इज़ कमिंग टू द कैंस और पैकेजेस, क्योंकि उसमें सब कुछ प्रोसेस इंग्रेडिएंट्स होते हैं गाइज। देन नेक्स्ट वन इज़ गिव अप ऑन वाइट स्टफ। सो वाइट स्टफ इज़ आपका मैदा हो गया, शुगर हो गई, सॉल्ट हो गया, दीज ऑल आर 3 वाइट्स वी हैव टू अवॉइड इट। शुगर के लिए हम यूजुअली क्या कर सकते हैं कि हम हनी ले सकते हैं, प्योर मैपल सिरप ले सकते हैं, सो मेनी ऑप्शंस, क्योंकि शुगर जो होती है इट्स वेरी बिग नो टू इट। देन द लास्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इज कुक एट होम। येस, क्योंकि जो हमारे रेस्टोरेंट्स होते हैं, टेकआउट पॉइंट्स होते हैं, इन सब में क्या होता है प्रोसेस इंग्रेडिएंट्स से ही करते हैं, तभी ये खाना बहुत टेस्टी होता है। अगर हम घर पे खाना बनाएंगे तो हमें पता है कि हम क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं, एंड ऑब्वियसली अगर हम बनाएंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी बनाने की कोशिश। जंक फूड रखा हुआ है, हम बार बार इस पे आ रहे थे क्योंकि हमें लेना था, बट यस, हमने इस बार ये नहीं करा, हमने जंक फूड नहीं लिया, जबकि इस पे लिखा हुआ है गाइस, अगर आप लोग देखें, इट्स लो कोलेस्ट्रॉल, बट और इस पे हेल्थ स्टार यहाँ पे भी बन, जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 4.5 हेल्थ स्टार इसको दिया हुआ है, बट वी नेवर नो कि ये कैसा है क्या है, तो हमें वैसे तो जंक फूड्स ऑब्वियसली अवॉइड करना चाहिए। ये सबसे जो मेरा फेवरेट सेक्शन है, जिसमें सारे आइसक्रीम्स और ये सब रखे रहते हैं, ये मेरा सबसे फेवरेट है, बट हाँ, मैंने इसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा, एक नज़र डाली और फिर मैं दूसरी साइड चली गई, क्योंकि जब देखो ही नहीं तो ऑब्वियसली आप बाय नहीं करोगे।
और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पार्टी सेक्शन भी है, चॉकलेट्स का अलग सेक्शन था। ये काफ़ी बड़ा सुपरमार्केट है, आपको यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी, यू नो वॉशरूम के लिए जो भी आपको क्लीनर्स चाहिए और ग्रॉसरी एवरीथिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम अगेन आई थिंक यहाँ पे फिर से आ जाते हैं पोटैटो बाइट्स और इसको क्योंकि मुझे लेने का बहुत दिल करा था, मुझे जंक फूड बहुत पसंद था। बट यस गाइज, मैंने कुछ महीनों से इन सब चीज़ों को बिल्कुल साइड कर दिया है। और मैं एक और चीज़ शेयर करूँगी, जो लोग माइक्रोवेव यूज़ करते हैं वो भी इसको लिमिट करें, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो नॉट गुड। माइक्रोवेव यूज़ करना बहुत ख़राब है, तो हमने जो है इसको बिल्कुल यूज़ करना ख़त्म कर दिया। और ये कैंस जो रखे होते हैं, जो प्रोसेस फूड होता है, तो ये तो बिल्कुल ही नो होना चाहिए, इट्स अ बिग नो फॉर दिस काइंड ऑफ फूड। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल एक ब्रांड है, उसके सूप रखे होते हैं, ये गाइस बहुत अच्छे होते हैं। हमने इसके कई जो होते हैं, जैसे कि इसमें ये रोस्ट चिकन है और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के होते हैं, तो हमने इसको काफ़ी ट्राई किया हुआ है। वेजीज भी होते हैं इसमें, और चाइनीज़ में जैसे कि आपके मंचूरियन टाइप्स में भी आपको कुछ थोड़े थोड़े से फ्लेवर्स इसके मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।